तो मैं आज एक नई ट्रिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है हम एक रियल एंड फेक पिक जो होती है उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हमें सोशल साइट्स पे, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीके एंड ट्विटर एंड मच मोर, हमें लोग जो है पिक सेंड करते हैं, फ़ोटो सेंड करते हैं और हम कन्फ्यूजन में होते हैं कि आया कि ये फ़ोटो जो है फेक है या रियल है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आया कि ये फ़ोटो रियल है या फेक है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल मुझे आज एक फेसबुक यूज़र ने जो है अपने फ़ोटो सेंड किए हैं इनबॉक्स में, तो मैं उन फ़ोटो की मदद से आपको जो है वो ट्रिक सिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम देख सकते हैं कि ये जो है फ़ोटो रियल है या फेक है। फॉर एग्जांपल अब मुझे ये एक फेसबुक यूज़र ने ये तीन फ़ोटो सेंड किए हैं, ये एंड ये। अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ये फ़ोटो जो हैं रियल हैं या फिर फेक हैं। तो मैं सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोटो में पहले ये आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये मैंने फ़ोटो ओपन की, ओपन करने के बाद मैंने अपने लैपटॉप पे की जो है राइट क्लिक पे क्लिक किया और ये मुझे ऑप्शन आए। इनमें से मैंने जाके नीचे आते ये देखें, ये इस आइकन सर्च गूगल फॉर इमेज, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये इसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखें दोस्तों, ये फेक पिक, ये ऑलरेडी इंटरनेट पे जो है मौजूद है, इसने गूगल से डाउनलोड किया है और मुझे सेंड किया है। तो ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि ये कौन कौन सी साइट पे ऑलरेडी मौजूद है। ये देखें आप, ये जो फ़ोटो है ऑलरेडी इन साइट के ऊपर अपलोड है। ये देखें, ये यहाँ से इसने डाउनलोड किया है और मुझे इसने इनबॉक्स कर दी है। और ये देखें, ये सेम वही फ़ोटो। इसी तरह मैं अगली फ़ोटो को चेक करता हूँ, ये मैंने क्रॉस कर दिया। अब मैं इस फ़ोटो को चेक करता हूँ आया कि ये रियल है या वो फेक है। सेम वही ट्रिक, राइट क्लिक किया, नीचे आया सर्च फॉर गूगल इमेज पे मैंने क्लिक किया, गूगल ने सर्च किया, ये देखें, देन अगेन सेम, लुक एट दिस हेयर एंड डाउन। ये देखें, ये इन साइट से इसने फ़ोटो जो है कॉपी किया है और मुझे इनबॉक्स किया है। तो इस तरह जो है दोस्तों आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी पिक जो है या फ़ोटो है वो रियल है या कौन सी फेक है। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी।